अटल जी की। फिर भी हम आपको कुछ कविताएं दिखाते हैं कि अटल जी ने कहा उसका विरोध या डर नहीं, फिर भी वो सेक्युलर है, और मोदी कहते हैं तो उसका डर है, सेक्युलर है। देखिए खुद अटल जी कहते हैं कि हम दुनिया के लोगों का यहाँ कैसे स्वागत करते हैं। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दो आंसू शेष बचा पाया, जब जब मानव सब कुछ खोकर, मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर, भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर, पथ के आवर्तों से थककर, जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। मैंने छाती का लहू पिला, पाले विदेश के एक सुदित लाल, मैंने छाती का लहू पिला, पाले विदेश के एक सुदित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्थल वर विशाल, जग से ठुकराए लोगों को, लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ हूं लुटा चुका, फिर भी अक्षय है धनागार, मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट, यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग मेरा। ये अटल जी ने भी कहा और कितनी बड़ी व्याख्या की है कि दुनिया में जिनको चलने के लिए पथ नहीं रहा वो यहां पर आए, उनकी शरण स्थली बनी भारत, ये हिंदुस्तान, और अपने सीने का दूध माँ ने, भारत माँ ने उनको पिलाकर बड़ा किया, वो सत्ता में यहाँ का मुकुट, उनके मुकुटों में यहाँ का हीरा जड़ा, ये इतना इतना विशाल हृदय वाला ये हिंदुस्तान। लेकिन अटल जी और एक बात बोलते हैं, ये बात अगर मोदी बोलेंगे तो न जाने क्या होगा, दुनिया भर में बवाल होगा। वो देखिए अकबरों के वंशज कहकर क्या कहते हैं, अकबरों के वंशज कहकर, से मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल कर जल कर हो गई अमर, वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये, बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं, यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन को गुलाम। अकबर जो अपने आप को अकबर का वंशज मानते हैं, आपत्ति कहां है, यही आपत्ति है कि आप अपने आप को राम श्री कृष्ण का वंशज नहीं मानते लेकिन अकबर का मानने को तैयार है। इस देश में धर्मांतरण या दूसरे धर्म में जाने में आपत्ति इसीलिए है कि धर्मांतरण राष्ट्रांतरण होता है, जब वो ईसाई बनता है तो उसकी निष्ठा यहां से उठकर वेटिकन तक जाती है, वो मुस्लिम बनता है तो मक्का तक जाती है, वहां तक जाने में भी आपत्ति नहीं, लेकिन आपत्ति है यहां पर जो है उसको छोड़ ही नहीं मिटाने के लिए उतावली हो जाती है। अगले कॉल, जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। सर मेरा ये कहना है कि जब अपन सरदार भाई पटेल, हाँ, और विवेकानंद जैसे महापुरुषों को कांग्रेस नहीं मानती है, और आज की जो कांग्रेस है और पूर्व की कांग्रेस में बहुत अंतर है, और कांग्रेस की पैदाइश थी जब मोतीलाल नेहरू के जो पिता का नाम ही मालूम नहीं थे के युवाओं को, के इनको नेताओं को मालूम नहीं है कि कौन था दया सुदन गाजी, उसी की पैदाइश है कांग्रेस, और वही मुगलों की पूरा से वापस स्थापित करना चाहते हैं। धन्यवाद। इस देश में जो आपने कहा मुगलों की सत्ता दोबारा प्रस्थापित करने का अभियान आंदोलन शुरू हो चुका है, बहुत से लोगों ने अब एक नया नारा दिया है, नया अभियान चलाया है, क्या अभियान है, अभियान ये है कि यहाँ पर कभी मुगलों का राज था, ब्रिटिश आए उन्होंने इस राज को तोड़ दिया, ब्रिटिश जब चले गए हैं तो दोबारा मुगलों का राज आना चाहिए, ऐसा अभियान चलाया जा रहा है और उसमें कुछ कैबिनेट मंत्री भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगले कॉल, जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, क्या कहना है आपको। जय हिंद सुरेश जी। हाँ जय हिंद, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, मेरा नाम पंकज शर्मा है, मुझे अपने हिंदू होने पे बहुत गर्व है, वैसे तो मैं सभी धर्मों को मानता हूँ लेकिन जो हमारा हिंदू धर्म है वो सबसे आगे है, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जम्मू में एक हिंदू धर्म के हूँ, क्योंकि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सभी सभी धर्मों के लोग रहते हैं,
वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन ज्यादातर संख्या जो है मुस्लिम को ही है। लेकिन मैं जम्मू होने पे मुझे अपना बड़ा अच्छा लगता है कि मैं एक हिंदू हूँ और हमारे हिंदू लोग हैं, सभी एकजुट रहते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी जी सर, आप क्या कहना है आपको? नमस्कार सर, मैं जम्मू और ज्योति से अर्जिंदर बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, बात ऐसे जन सर, जन सर, मैं जम्मू और ज्योति से अर्जिंदर बोल रहा हूँ सर। अगर मोदी जी एक बात करते तो दिग्विजय सिंह इतनी इतनी बड़ी बातें करना शुरू कर देता सर। दिग्विजय सिंह इतना चोर आदमी है, मेंटल आदमी है, उसको क्या करना चाहिए कि पूना हॉस्पिटल से अपना इलाज कराना चाहिए, पहली बात है। दूसरा क्या कि एक अगर धन्यवाद, हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार, सूरज जी हैदराबाद से प्रकाश प्रजापत बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। ऐसी सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? सरकार हमेशा ऐसे ही करती है, हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। और हिंदू के हित की बात करना कोई गलत बात नहीं है। हिंदू का जो भारत को धरती माता मानता है वो वास्तव में हिंदू है। हिंदू धर्म तो कहता है विश्व एक परिवार है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है और त्याग पूर्व भोग हमारा आधार है, इसी में सबका सुख का सार है। जबकि ऐसे नहीं मानते, राष्ट्रवाद की बात करने वाला हिंदू है, चाहे भले अब्दुल कलाम हो, चाहे भले अब्दुल हमीद हो, वो वही सच्चा हिंदू है। क्योंकि पूजा करने से कोई हिंदू नहीं होता। नरेंद्र मोदी ने जो आज बात की है वो वास्तव में सच्चे हिंदू की बात कही उन्होंने। जय हिंद। जय हिंद। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो जी, क्या बोलना है? नमस्कार, ऐसे है, ये जो मोदी साहब है, मैं अबू धाबी से बोल रहा हूँ। हाँ, ये जो बोल रहे हैं ये एक मुल्क के लिए बोल रहे हैं। कोई भी आदमी जो है ये जिसको मर्जी माने, लेकिन इन द बिगनिंग ये जो है हिंदुस्तान से ही हैं ये लोग सभी। हाँ, इनको फखर होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल, हमें किसी भी ये और तरह बेंड नहीं होना चाहिए, देश के लिए डेवलपमेंट करनी चाहिए और ये मोदी को आगे लाना जरूरी है। आज हम देख रहे हैं ऐसा हिंदुस्तान को चाहिए जो ये मुल्क की तरक्की कर सके। धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे पास जितनी 32 लाइनें हैं पूरी पैक है, और स्काइप पर जो आप देख रहे हैं एक साथ एक कॉलर जब बात करता है तो करीब करीब एक साथ 144 से ज्यादा, जो कि स्काइप की मैक्सिमम कॉल वेटिंग लिमिट है, वो भी क्रॉस हो रही है। लोग बात को कहना चाहते हैं, यही हम देखना चाहते थे कि जो समाज अपने आप को भूल गया है क्या उसको याद दिलाने से वो जागता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो नमस्कार, बोलिए। हाँ, भारत में हिंदू राष्ट्रीय बनना चाहिए। धन्यवाद, हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, हम कॉलर को कहेंगे कि जो फ्लो कार्यक्रम का बना हुआ है उसमें बात करिए। हम कॉलर के पहले आपको अटल जी की और भी दो कविताएं भी दिखाते हैं। क्या कहते हैं अटल जी संकल्पना हिंदुत्व की, वो क्या बताते हैं, देखिए। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू। ये हिंदुत्व है, हिंदुत्व ने कभी साम्राज्यवाद के लिए किसी सीमा पर जाकर वहां पर वहां के धार्मिक स्थानों को ध्वस्त नहीं किया। यही बात यहां पर कविता में अंतिमतः क्या कहते हैं अटल जी, देखिए। एक बिंदु मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर में व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूं, मैं तो समाज का हूं सेवक, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। चलिए, शायद आवाज सही नहीं आ रहा है। हम बोलने की हिम्मत हमारे भगिनी ने की है, इसके लिए उनके आभारी है। उनके शब्द आवाज के रूप में यहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन हौसला और हिम्मत वो क्या कहना चाहती थी यह जरूर पहुंचा है।
हम यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हिंदू राष्ट्रवाद पर आपत्ति क्यों। अब तक के सारे कॉलर ने इस बात से सहमति जताई है और सब लोग इस बात से सहमत है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस संकल्पना के साथ जुड़कर। बचे हुए समय में आपका क्या कहना है, आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ, अमेरिका में ओबामा ने कहा था हाँ। मैं मुसलमान हूँ और गांधी मेरे आदर्श है, लेकिन वहाँ फिर भी कोई विवाद या विरोध नहीं हुआ। कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है, ये भी कांग्रेस का भ्रष्टाचार है, ये कांग्रेस की बदनीयत है और हिंदू और मुसलमान को गुमराह कर रही है। धन्यवाद, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। बोलिए बोलिए। मैं पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ। और दूसरी बात चीज है, ये जो सेकुलर बोलने वाले, हिंदू के लिए बोलने वाले, हिंदू के खिलाफ बोलने वाले, ये कितने सेकुलर है जो ओबीसी के बारे में और ये जो। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे, धन्यवाद। आपने ओवैसी क्या क्या कहा, हमने दिखाया और किसी चैनल ने ये दिखाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हमने दिखाया किसी भी कीमत पर, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ओवैसी का नंगा नाच दिखाया, लेकिन वो ओवैसी बस 10,000 रुपए के मुचलके पर बाहर आ गया, उसको बेल मिल गई। भारत माता और यहाँ के हे हिंदुस्तान कहने वाला ओवैसी 10,000 की जमानत पर बाहर घूमता है। यही तो कारण है कि हिंदू कहने पर यहाँ का आदमी शर्माता है, डरता है, उसको एहसास नहीं होता। हम आपको वीर सावरकर का वीडियो दिखाते हैं कि वो क्या कहते हैं, हालांकि फिल्मी वीडियो है, लेकिन उनकी व्याख्या उस शब्दों के साथ देखिए। वो भूल गए हैं कि वो हिंदू हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि हिंदुत्व क्या है। क्या है हिंदुत्व? हिंदू हमारा नाम है और हिंदुस्तान हमारी मातृभूमि है। सभी हिंदू एक हैं, हमारा राष्ट्र एक है। एक राष्ट्र, एक जाति और एक संस्कृति के आधार पर ही हम हिंदुओं की एकता आधारित है। वे सभी व्यक्ति हिंदू हैं जो हिमालय से समुद्र तक इस समग्र देश को अपनी पितृभूमि के रूप में मान्यता देकर वंदना करते हैं, जिसकी धमनियों में उस महान जाति का रक्त प्रवाहित हो रहा है, जिसका मूल सर्वप्रथम सप्त सिंधुओं में परिलक्षित होता रहा है और जो विश्व में हिंदू नाम से सुविख्यात है। हमारा कर्तव्य है कि हम देश में रहने वाले हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में ये पवित्र भाव जागृत कर सके कि हम सब सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद कुछ और। यह हिंदुत्व की सही व्याख्या है कि इस भूमि के हर हर एक इंच सेंटीमीटर को भी जो अपनी पुण्य भू, कर्म भू मानता है, मातृभू मानता है, इसके वंशज महापुरुष जो रहे या कोई भी रहा, उसको उनका हम वंशज है मानता है। और इस देश के खिलाफ, इस भूमि के खिलाफ कोई भी अगर टेढ़ी नजर से देखता है तो भले मेरे धर्म का है लेकिन मेरा शत्रु है, ऐसा मानता है, वो हिंदू है। ये मुद्दा नहीं है कि आपकी पूजा पद्धति क्या है, ये मुद्दा नहीं है कि आप मंदिर में जाते हैं कि मस्जिद में जाते हैं, ये पूजा पद्धति नहीं है कि आपकी भाषा क्या है। मुद्दा ये है कि क्या आप इसको राष्ट्र सर्वप्रथम मानते हैं।